अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट पाएं। आपने खून से खत लिखने के किस्से तो बहुत सुने होंगे। 90 के दशक में ऐसा अक्सर कॉलेज टाइम में होता था, लेकिन अब राजनीति में भी ये तौर तरीके दिखाई देने लगे हैं। कानपुर महानगर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी इसी दिशा में आगे बढ़े हैं। दरअसल विधायक जी बीते 3 दिन से हालसी रोड की पानी टंकी से जलापूर्ति शुरू कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। अधिकारियों ने उनके धरने को तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री को खून से खत लिखा। दरअसल सपा विधायक वाजपेयी की मांग है कि हालसी रोड की पानी टंकी से जलापूर्ति की जाए, इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। लोग बताते हैं कि इलाके में पेयजल की समस्या है, लोग परेशान हैं। विधायक ने जल निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, साथ ही कहा कि सच्चाई को छिपाकर लोगों के लिए वो समस्या खड़ी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि सच्चाई सामने आई तो जल निगम के अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। सपा विधायक का ये भी कहना है कि जब तक हालसी रोड की पानी टंकी शुरू नहीं होगी वो धरने से नहीं हटेंगे। उनका हठयोग धरना लगातार जारी है। हालांकि दूसरी ओर तीसरे दिन तक किसी अधिकारी के मौके पर पहुंचने की सूचना नहीं है। शायद यही वजह है कि सपा विधायक ने अपनी बात को ज़्यादा मजबूती से उठाने के लिए ये तरीका अपनाया। यहां तक पेयजल समस्या का सवाल है तो लोगों का कहना है कि ये टंकी चालू न होने की वजह से हालसी रोड के साथ साथ आधा दर्जन अन्य मोहल्लों में भी काफ़ी धीमी रफ्तार से पानी आता है। पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और पानी कम समय के लिए सप्लाई किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।